जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो पुलवामा में एनकाउंटर जारी है सुरक्षा बल आतंकियों के बीच में, मुठभेड़ की खबर सुबह से लगातार जारी है। ये एनकाउंटर सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है, लेकिन अभी भी इनके कई साथी यहां पर छिपे हुए हैं जिनके साथ में मुठभेड़ जारी है। वहीं इस मुठभेड़ में सेना के एक जवान भी शहीद हो गए हैं, पुलिस के एक जवान के घायल होने की खबर है। मुठभेड़ पुलवामा के गुसू गांव में चल रही है। बता दें इस गांव में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली और ये है तो एक तरह से रिहायशी इलाका, लेकिन एक जगह पर आकर आतंकी छुप गए जिसकी जानकारी जब यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस को और सुरक्षा बलों को मिली, सेना को मिली, तो उसके बाद में ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जब आतंकियों की तरफ से आज सुबह फायरिंग हुई 4 बजे से लगातार ये मुठभेड़ जारी है, एक आतंकी ढेर। साउथ कश्मीर के पुलवामा में आज मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक एनकाउंटर चल रहा है। इस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया है, वहीं आर्मी का एक जवान शहीद भी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान जख्मी हुए हैं जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है। कल रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेज को टिप ऑफ मिला कि इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सुबह के 4 बजे मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायर खोला, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिटेलिएट किया और उसमें एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है, उसकी बॉडी रिकवर कर गई है और अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का यह ऑपरेशन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।